सलवात सारे सलाम। इल्तिमास से दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्म कुल्ले वलिये कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातो काले हिवाला बाईही फी हाज़े साते वफी कुल्ले सात मिन सात लैल व नहार वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व आयनन हत्ता तुस्के नहु अर्जा कतवन व तुमत्या हुफिया तवीला या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजल फ़राज आल मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्म सखरली कुलूब औलाद आदम व बनात हव्वा साब रुवे साहोवा यहूदा व बहक काफहा या इंसवाद हामी मैं इंसवाद काफ बहक या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह सलवात अली बादशाह दी अजमत सरफ। जेड़े साहबान बैठे हो जुबाना मोतर करो सलवात सारे साहब सल्ला। दुआ है मालिक तुसा सारे साहबान दा पाक दरबार च हाजिर होया जाकरीन दी नौकरी बानियान दा पुरखलूस ए तमाम मालिक अपने दरबार च कबूल फरमा। जिक्र दे सदके च मालिक बानियान दी तौफीकात च इजाफा फरमा। इन्हों मालिक नाल औलाद नाल दोस्तां भरावां दे आबाद फरमा। परेशान मोमिनीन दियाँ मालिक परेशानियाँ दूर फरमावे। बे औलाद मोमिनीन नू मालिक मातमी पुत्र अता फरमा। बेरोज़गार मोमिनीन दे बच्चों नू मालिक सोने रोज़गार अता फरमा। बैरूने मुल्क मोमिनीन दे बच्चों नू मालिक कामयाबी और कामरानी अता। कायम आले मुहम्मद सरकार दा मालिक जल ज़हूर फरमावे ताकि हक और बातिल दा फैसला होवे। नारे तकबीर माशाल्लाह। जिहड़े बैठे हो सारे बोलो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारा हैदरी यार। सब बोलो कुल ईमान नारा हैदरी यार। हुसैनियत यजीदियत पाक मखदूमा दे दुश्मन ते लानत। सलवात सारे साहबान बा जमात पढ़ो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وچی صلوات अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु अशरफ लंबे अल मुरसलीन उची सलवात अली सरदार जमाने दा। बिस्मिल्लाह। ते ए दुनिया अंधी कोई नहीं विच नूर देखाक मिला देना ए दानश मंदी कोई नहीं ते कोई हम सारा है ले सामने ते मैडा वीर पाबंदी कोई नहीं फरमे दे ताई शिया पीर अली मले है जैदे बाद बुलंदी कोई नहीं।
इमाम हुसैन तुहानू इज्जत दे, बादशाह तुहानू रंग ला। मैं अपने वक्त च नौकरी मुकम्मल करनी, थोड़ी जी हाजिरी। ये तुसी जानदे हो जो हर मजलिस दी लिस्ट फरिश्ते बनांदे, और वो लिस्ट जांदी है कायम आले मुहम्मद सरकार दी खिदमत। बादशाह दा फरमान है कि अपनियां मजलसां नूं जीनत दिओ मेरे वीर अली दे जिक्र नाल। मजलिस मुकम्मल करनी चाहना, जनाब नूं एक दो कसीदे सुणा, और उसके बाद बिस्मिल्लाह करा। जिंदगी हुण तुहाडियां सती साहिब मालिक जिंदगी दराज फरमा। कसीदा सुनाइए जनाब नूं, बिस्मिल्लाह। ढेर बैठे हो, सलवात उच्ची सारे पढ़ो। कसीदा मैं पढ़न लगा पाक अली अलैहि सलाम दी शान दा, बादशाह दी। वक्त ऐसा है सोच समझ के पढ़ना पौंदा है, माहौल इस तरह दा। हुण अगलियां गल्लां नहीं, बे गाली कढ़ीए तो मोमन बोल पौण। मिंबर ते बाद पढ़ना है, हर हवाले नाल ठीक पढ़ना चाहिए। और किसी नूं छेड़न दी सानूं जरूरत भी नहीं, क्योंकि साढ़े अपने बादशाह दे फजाइल मुक ही नहीं सकते। अबू ज़र गफारी तो मैं रवायत पढ़ी है, जो मदीने विच ना जी बाबा जी कुछ बंदियां नूं इकट्ठे करके तो रोज़ाना बिला नागा पाक अली दे फजाइल पढ़दे आ, ते जदा बंदा कोई ना इन्हां लभदा ते फिर सरकार जंगल नूं मूँह करदे आ। ते जंगल च खूह आई, खूह दे किनारे ते खलो के सरकार फरमांदे आ, ओ खूह दी मखलूक अपने काम छोड़ो, मेरे पास तवज्जो करो, मैं अली दे फजाइल पढ़न लगा। बिस्मिल्लाह। तो सरदार दे फजाइल जनाब नूं शेर कसीदे दा सुनावन लगा। कदीमा ना सुनने वाले बुजुर्ग भाई जाकिर गार हज़रात, सियाने लोग बैठे हो, तवज्जो होवे, सुनाइए जनाब नूं कसीदा। अव्वल तो आखिर तक सलवात सारे पढ़ो। एक नारा होवे उच्ची आवाज़ नाल, बादशाह अली खुदा दी खुदाई दे कम काज सारे दसेदा खुदाए करे दा अली। मैं बिस्मिल्लाह कर। खुदा दी खुदाई दे कम काज सारे रोटी ए पानी ए लंगर ए सब कुछ बनेदा खुदा ए बंडेदा अली। हाथ सलामत रवे जड़े अली दे फज़ाइल च उठन। बिस्मिल्लाह जिंदगियां दराज होवें, इमाम हुसैन तुहानू लंघ रावे। मेरी उम्मीद तो ज्यादा सुनिया जे, शेर जनाब नूं सुनावन लगा। कदीम दे सुनने वाले बुजुर्ग भाई जिथे जिथे तशरीफ फरमाओ, तवज्जो ही दावत दे के जनाब नूं बगैर वजात दे शेर सुना रहे। अर्ज कर रहा मैं प्या दा, जरा वेख मेरा जिदी जब अली नूं नबी दा वसीला जली दा वसीला नबी दा वसीला जली किवें वसीला मुहम्मद कुवा हुसैन तुहानू इज्जत देवन। सरदार रंग लावन एक शेर और पढ़न लगा। जिंदा बंदे नू कफन पवा के मुर्शद अली को लै आए। बिस्मिल्लाह करा। मौला बंदा मर गया है, जनाजा पढ़ाओ।
सरदार मुस्करा के फरमाया मैनू पहचान के गल करो अल्लाह दी कायनात ते चली है के पढ़ावा जनाजा मौला पढ़ाओ जनाजा वाकई मर गया है। सरदार जनाजा पढ़ाया इसके उठना जिदा जनाजा मुर्शद अली च पढ़ावे किदे उठना ही या ना अपनी मीटिंग के तहत खंगूर है मारे लेकिन वो नहीं उठा जेड़ा प्यू बनया होया ही उस को आके मोढ़े से नप के उस लाया उस आख्या उठ पो अली हूँ जनाजा पढ़ा लिया है हूँ तो उठ वह नहीं उठा सरकारे कंबर टुरैल उसके प्यो दे मोढ़े ते हाथ रख के सरकारे कंबर मुस्कराएल तो फरमाया इनू छोड़ मैं अली का नौकरा मेरी गल सुना दे के आखना चाहना है। सरकारे कंबर मुस्कराए नहीं तो पास रे के फरमाया मेरी गल सुन ए हुण मर गया बिस्मिल्लाह करा जिंदगी दराज होवें सरकारे कंबर मुस्कराए ने उसके मोढ़े ते हाथ रख के सरकार फरमाए मेरी गल सुन ए हुण मर गया शाहिस्तान दे इमाम हुसैन तो रंग ला इतने मैं पढ़ना ही जड़ा मैं पढ़ लिया जेड़े रोवन आए हो पाक बतूल दियाँ धियां मुकानी ते मातमी बादशाह दे रोवना बेदलील इबादत है एडी वड्डी इबादत है जो हुसैन बादशाह दियाँ भैणा रोवन कब्र च हसरत लैके टुर गई बिस्मिल्लाह। एक वाकया है जेड़ा मैं शुरू किया है पिछले साल का शुरू किया है त्रै वहन जेड़े मैं करने जेड़ी नसीब होनी वह हांझा होनी सियाने लोग झोलियाँ चो मावां दे हुसैन बादशाह दा मसैब सुनते आ रहे हो कूफे दे शहर च इसकी बस एक मिनट की तमई दे दो वैन करके मैं दुआ दें कूफे दे शहर कूफा एक बहुत बड़ा शहर है ढेर सारे कबीलियां दा शहर है। इस शहर विच बाबा जी एक बंदा पैदा होया एक बच्चा पैदा होया उसका नाम रखा गया सकैफ से काफ ये फे सकैफ। इस सकैफ जवान होया इस दी शादी हुई अल्लाह ने उसने एक पुत्र अता किया उसका नाम रखिया उमैर। उमैर जवान होया फिर उसकी शादी हुई उसनू अल्लाह एक पुत्र अदात किया उसका नाम रखिया गया मसऊद। मसऊद जवान होया फिर उसकी शादी हुई खालक ने उसनू दो पुत्र अता किए साद बिन मसऊद उबैदुल्ला बिन मसऊद। इस सारा खानदान जड़ा आ रहा है ये मुहिबा ने अली अलैहिस्सलाम है आज़ादार ने बाहर बादशाह दे हाफज़ कुरान ने जंग जू सारे साद बिन मसऊद बंदा है जिसनों पाक अली अलैहिस्सलाम ने मदैन का गवर्नर बनाया और फिर जख्मी जिसले पाक हसन अलैहिस्सलाम का पैर जख्मी होया फिर इस दे सफेद महल ले सरकार तशरीफ फरमाए इसने बाबा तीमारदारी पाक हसन अलैहिस्सलाम की नौकरी दी। इसकी एक धी लिखी है माली सबतैन आए इस साद बिन मसऊद की एक धी लिखी ने जिथों तक मैं पढ़ सकिया उस धी का नाँ लिखिया ने उम्मे लैला। उम्मे लैला का अकद होया हुसैन बादशाह नाल और अली अकबर दुनिया ते तशरीफ आया। जड़ा उबैदुल्ला बिन मसऊद है इस दियां दो धियां लिखिया ते एक पुत्र लिखिया पुत्र जड़ा लिखिया ने उबैदुल्ला बिन मसऊद का उसका नाँ है अमीर मुख्तार शिया कौम के बच्चे ही जानते। इस सकैफ के नाँ तो सकफी खानदान मशहूर होया
ਸਾਰਾ ਪਾਕ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਸਿਆਬੀਅਨ ਪਾਕ ਅਲੀ। ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਲਕਬ ਏ ਕੈਸ, ਕੁਨੀਅਤ ਏ ਅਬੂ ਇਸਹਾਕ। ਪੀਰ ਫਖਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਲਕਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਕ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਬਰ ਤੋਂ ਰਵਾਇਆ ਤੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਦਾਈ ਪਾਕ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਜ਼ਾਨੋਂ 'ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਾ ਕੈਸ ਯਾ ਕੈਸ, ਯਾਨੀ ਐ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਐ ਅਕਲ ਵਾਲੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਮੀਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖੇ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਰੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਵਹਿਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਵਹਿਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੋੜ ਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਤਰੇ ਦਫ਼ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਿਖੀ ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ, 28 ਰਜਬ ਅੱਧ ਰਾਤ ਤੇਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਦੀਨੇ ਟੁਰੇ, ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਹੁੰਚੇ ਕੂਫੇ। ਅੱਜ ਸਈਦਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਤਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੁਕਾਣੀਆਂ ਵਾਏ, ਸਰਕਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਣਦਾ। ਸਰਕਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੂਫੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਨੇ ਬਾਇਅਤ ਕੀਤੀ, 18,000 ਬੰਦੇ ਬਾਇਅਤ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ, ਔਰ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਜ ਤੱਕ ਬਈਅਤ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਮੁਕਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਈਅਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤਰੁੱਟ ਗਏ। ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਬਾਹਰ ਹਨ ਬਈਅਤ ਲਵਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਜਿਸਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬਈਅਤ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੁਖਤਾਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਕਾਣੀਆਂ ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਲਫਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਾਤਮੀਆਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜੁਮਲਾ ਇੱਕ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੁਖਤਾਰ ਕੈਦ ਚੈਨ ਜਾਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤਰੁੱਟੇ, ਦੋ ਮੁਹਰਮ ਕਰਬਲਾਏ, ਮੁਖਤਾਰ ਕੈਦ ਜੋ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਕੈਦ ਚੈਨ ਜਾਂ 10 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਨਬੂਵਤ 'ਤੇ ਲੋਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਗਰ 'ਚ ਬਰਛੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਾਸਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵਹਿਣ ਦੇ, ਵੱਜਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਝੜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਝੜੀ ਹੋਈ ਜਾ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਲਾਲ। ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਕੈਦ ਚੈਨ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੁਖਤਾਰ ਕੈਦ ਚੈਨ ਜੋ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਭਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਯਤੀਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਖਤਾਰ ਕੈਦ ਚੈਨ ਜੋ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਿਰਾ ਦੀ ਮਕਤਲ ਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਣ, ਬਿਰਾਦ ਦੇ ਕੇ ਆਦੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਫ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਮਦੀਨਾ ਹੋਵਿਆ, ਅੰਮਾ ਬਤੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਿਆ, ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਕਫਨ ਕੀਓ ਜਿਹਾ ਪਵਾਏ। ਮੁਖਤਾਰ ਕੈਦ ਚੈਨ ਮੁਰਸ਼ਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕੂਫੇ 'ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਰੁਲੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਛੱਤ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਇਹ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਛੋੜ ਕੇ ਵਹਿਣ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸੈਣੀ ਆਈਆਂ ਵਤਨ 'ਤੇ, ਇਦੋਂ ਸੈਣੀ ਵਤਨ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਛਾਈ ਆ ਗਈ, ਮੁਖਤਾਰ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਪ ਸਰਦਾਰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅੱਧ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਮਾਲਕ ਉਸ਼ਤਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਹੈ, ਆਦੇ ਹਾਂ ਮੁਖਤਾਰ, ਆਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿਵੇਂ। ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ੀਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੀਏ ਅਤੇ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਅਜਾ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਬੈਠੀ, ਤੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲਵੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੀਗਰੇ ਲਏ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁਲਾਏ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਾਬਾ, ਨੌਕਰ ਜੂ ਨੌਕਰ 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 ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੋ ਵੈਣ ਕਰਨੇ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਰਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਫਾਤਿਹ ਹੋਇਆ।
रैयत ने बिरादरी ने लोगों मजबूर किया मुख्तार तखत ते बहो इब्राहिम दे गल च बाई पा के आदा तू इन्हां नूं दस ये वह तखत नहीं जैसे सामने मुहम्मद दियां धीआं खलोतियां रही मैं इस तखत ते किवें बां बिस्मिल्ला करां बाबा बिस्मिल्ला करां मैं नहीं बह सकता इब्राहिम मजबूर किया मुख्तार तखत आया इब्राहिम मुबारक दी इब्राहिम आदा मुख्तार मुबारक हो भी तख्त मिल गई वेख्या दा इब्राहिम तू तो जानना है इस तखत का फायदा ता आई जे अज मेरा अकबर हो गया अज अब्बास हो गया सरदार नौकर की शाही वेखना वेख्या ना परेशान हो तू मैनू हुक्म दे मैं सरदारा के कातल नपदा इब्राहिम इजाजत ली फौजा नाल लाइया इब्राहिम आदा मैं शाहराए मिस्र ते आया इतने खजिया का झुंडे जुमला में मातम द आखन लगा मुकाणिया हो इतने खजिया का झुंड आदा मैं डिठे घोड़े सवार मेरे अगे लागे दौड़िया मैं पिछू दौड़िया वह खजिया के झुंड ही दाखिल होया चुगिरदू असा फौज की है मैं उसको नप लिया तो मैं उन्होंने पहचान के आख्या तू नहीं जा सकता तू ओ है जै दीन का काबा ढाया ये शिमेरे इब्राहिम आदा जल्दी करो इसकी जबान लोहे की तार पाओ मेरे घोड़े की अगू दौड़ाओ इसने उस वे हथ जोड़े ना मातमियाओ इस हथ जोड़न इब्राहिम गर्मी का मौसम है मैं तो मर वैसा इदे मूँह तो तमाचा मार के इब्राहिम आदा बकवास ना कर तेन अज गर्मी याद आई उदा गर्मी याद ना भी आई जदा मुहम्मद दियाँ दियाँ दे उठ बजे दें तो हुसैन दी दिया दियाई मैं थक पई हाँ बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला सोनी मुकान बिस्मिल्ला करा इनू दौड़ा के लाया अंदर बार जिसल इब्राहिम गया उस मुख्तार रो रहा है हूँ जिसल इब्राहिम आया फिर भी मुख्तार रो रहा है इब्राहिम दरवाजे चु सद मारिया मुख्तार हूँ ना रो सर निस आया तो उत पुछया क्यों ना रोवा कोई अकबर वल आया आदा अकबर तो नहीं आया सरदार का कातिल नप के लाया जड़े मातमी बैठे हो सर च आया वे क्या इब्राहिम मैं बोलदा या शिमेरे आदा नहीं है शिमेरे इब्राहिम आदा जल्दी कर इस लोहे की जबान इसकी जबान चु कढ तार मैं भरे दरबार इसकी जबानी पूछना है जो करबला दी डीगर किवें गुजरी जबान चो लोहे की तार निकली मुख्तार इदे तमाचा मार के फरमाया जल्दी कर जल्दी मैनू दस मैं सुनया जिसले तू मेरा सरदार मारिया है उसले भैन सत्तर कदम ते आई एलांती आदा तैं थोड़ा सुनया अगली गल औखी है आदा केड़ी वे क्या आदा सिर्फ बैन ना ही बैन तो सत्तर कदम ते आई जिसले मैं हुसैन मारिया धी मिन्नत करती रही ते हथ बन के आदि ना मार मेरे प्यो नू छुड़ावण वाला कोई नहीं फिर ना रोए कातिल हर कोई डर के नसया नसण वालियां विचों मुकाणिया हो एक लांती नसया जिसका नाम है हसीन कायनात भुले तो भुले इस लांती नू शिया कौम दे बच्चे नहीं भुलते ये वो लांती है जै हुसैन का सोहना बचड़ा घोड़े तू लाया इंज लाया जो अकबर दे लाण दे बाद हुसैन की कमर त्रुट गई ये नसया तो नस के आया सरकारे सज्जाद कोल सलाम किया सज्जाद मैं भुखा मैं तस्सा मैनू पानी पिवा मैनू खाने खवा जेड़े गयूर बैठे हो मुकाणी हो सरदार फरमाया बैवन सरदार घर आए अली दी धी ने पुत्र नू रत रोंदा देख के फरमाया सज्जाद रत जो रोंदा ना वत कोई नवी शाम है अम्मा शाम नहीं एक मेहमान है बीबी आदि कैसा मेहमान है जैं दी आमद ते तेरी रत वद पई है बीबी आदि सैयद आदे अम्मा उच्चा ना बोलिया है अकबर की माँ ना सुने अकबर का कातल मेहमान बनाया मैं सदके होवां बीबी आदि उहदे नाल कोई सख्त गल ना करे वो साडा मेहमान है ये पानी लै जा उहनू पिवा जितने दिन वो मेहमान रवे उहदा खाना मैं आप कैसा बिस्मिल्ला बाबा पानी पिवाया सत या नौ दिन मेहमान रहा बिस्मिल्ला मेरे इसे दी मुकान हो गई है दो अंजू हो रहा जावें सत या नौ दिन मेहमान रहा ये टुरन लग्या सज्जाद मैनू इजाजत फरमाया हिक लादा खलो मैं अपनी माँ नू दसी आवां सरकारे सज्जाद घर है अम्मा वो मेहमान इजाजत मंगदा बीबी आदिए उसनों विदा कर जरूर लेकिन उसनों विदा उमें करें जिमें तेरा नाना दादा मेहमाना नू विदा कर दें उदे नाल शजरा तुल विदा तक नाल जावें ते शजरा तुल विदा ते जाके उसनों आखे टुरदे वेले मेरी माँ पी आदिए इतना दसी जा मेरे अकबर नू कीवें लाए मैं सदक्यों मैं मातम की तैयारी करी मुकाणी और सरकारे सज्जाद इस दिनाल टुर पे शजरा तुल विदा दे पासे ये टुरदा आंदा वे क्या सज्जाद नौ दिन मैं तेरा मेहमान रहा तेरी मेहमान नवाजी तो पता लगता तैं मैं सुजाता नहीं जो मैं कौन हाँ मजलूम की रत वधी बिस्मिल्ला करा मजलूम की रत वधी है तो फरमाया कमीना कायनात मेरी अखी के सामने कायनात भुला तो भुला तेनू तो मैं नहीं बोल सकता
लांती आदा जे जान दें ते दस ना मैं कौन आ मजलूम दी रात वध पईए। सरदार फरमाया तेरा लेजा करी बर्बाद गया ते हा वसदा घर जहरा दा मैं जख्मी जिगर ते ओ हाथ रख के बंद कीता शाम दे। मातम करी जिन्हां दी छोटी औलाद है बिस्मिल्ला करा ते तै समझिया हो सी को याद नहीं ते नौ लख विच टुरला मादा मैं कुए ता दास किवें बोल संगदा